शिल्पा जागृत अवस्था में आते ही मन कहता है आज गहरी नींद आई ये कि स्वप्न आया जो स्वप्न और गहरी नींद को जान रहा है क्या वो ही साक्षी है पर यह जागृत अवस्था आने पर महसूस होता है हम अपनी निद्रा के साक्षी कैसे हो सकते हैं तुरय का अनुभव कैसे संभव नींद में आने वाली बेहोशी भी अब अच्छी नहीं लगती क्योंकि अच्छा बुरा स्वप्न भी जगने पर कुछ देर तक प्रभावित करता है देखिए अभी आप लोग ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो कि आप लिखते हो कि हम साक्षी भाव बना के व्यवहार करने में कुशल हो रहे हैं या महसूस होता है अच्छा बुरा विचार हावी नहीं होता असंगों के देखते रहते हैं तो वो टिकता नहीं जीवन शांत चलता है अभी साक्षी भाव नहीं है भाव मन में होते हैं मन रोज बदलता है और इसी मन में निद्रा होती है निद्रा भी एक वृत्ति है पतंजलि कहते निद्रा भी एक वृत्ति है तो साक्षी एक वृत्ति नहीं है साक्षी का भाव करते हैं ये साक्षी नहीं है साक्षी का आभास कभी कभी होता है जागृत में और स्वप्न में नहीं रहता ये भी साक्षी नहीं है मैं साक्षी हूं ऐसी कई लोग कल्पना करते हैं वह भी साक्षी नहीं है मैं कभी साक्षी होता हूं कभी नहीं होता हूं कभी भूल जाता हूं कभी याद आता है जब ये चले तो ये भी अभी आप साक्षी क्या है समझे नहीं आप मन को साक्षी बनाना चाह रहे हो जो मन अभी कह रहा था मैं शिल्पा हूं फिर वही मन कहता नहीं मैं तो साक्षी हूं मैं शिल्पा थोड़ी हूं कह तो वही मन रहा है तो साक्षी वृत्ति नहीं है ऐसे जानो जैसे शीशे में तुम अपना प्रतिबिंब देखो तो वो प्रतिबिंब भी शिल्पा जैसा ही होगा अलग नहीं होगा हालांकि उल्टा होता है पर फिर भी वो सीधा लगता है है तो वो उल्टा लेफ्ट इज राइट राइट इज लेफ्ट लेकिन फिर भी लगता है तो मेरी शक्ल पर शीशे में दिख रहा प्रतिबिंब शिल्पा नहीं है ऐसे ही मन के शीशे में दिख रहा साक्षी साक्षी नहीं है ये बात थोड़ी बारीक है जल्दी पकड़ में नहीं आती साक्षी हूं ये वृत्ति में जब जगा तो वृत्ति से कहा ये वृत्ति मन के क्षेत्र में है तो अगर मन के क्षेत्र में आई हुई वृत्ति को तुम साक्षी मान रहे हो तो वृत्ति तो अपने आप में साक्ष्य है दृश्य है आप दृश्य को दृष्टा बना रहे हो बनेगा नहीं वो तो फिर तो यही होगा कभी होता हूं कभी नहीं होता हूं कभी साक्षी रहता हूं कभी नहीं रहता हूं जागृत में रहता हूं स्वप्न में नहीं रहता सुषुप्ति में नहीं रहता वहां कैसे रहूं अरे जब सुषुप्ति में मन ही नहीं है तो मन की कोई भी वृत्ति नहीं होगी अब नींद हो नींद की वृत्ति हो लेकिन बेहोशी ना हो तो ये तो तभी संभव है कि जब आप इस जागृत अवस्था में रहते हुए योग निद्रा के माध्यम से उस अनुभूति को प्राप्त करें जहां देह पूरी तरह नींद में है लेकिन चेतना विलुप्त नहीं हो रही मन भी पूरा खाली हो गया निर्विचार हो गया गायब हो गया ठहर गया परंतु चेतना नहीं तुम जागृत तो मुझे मेरे होने के लिए किसी वृत्ति की जरूरत थोड़े ना है मैं वृत्ति पर आश्रित थोड़ी हो सकता हूं चंद्रमा चमचमा रहा है आकाश में बादल आ गए तो हमको दिखना बंद हो गया पर क्या आप ये कहेंगे कि बादलों ने चांद को ढक लिया नहीं बादलों ने तुम्हारी आंख को ढका है ऐसे ही मन बुद्धि की आंख पर सुषुप्ति का स्वप्न का बादल आ जाता है तो सोचना समझना बंद हो जाता पर उससे मेरा मेरे स्वरूप का अभाव थोड़ी हो जाता है तो मन सोच पाए तो भी ठीक नहीं सोच पाए तो भी ठीक तो दृष्टि मन के ऊपर मत टिकाइए दृष्टि स्व पर होनी चाहिए मन में बैठ करके मन को साक्षी आप बनाना चाहेंगे तो वो नहीं बनेगा और साक्षी तुम हो बनना थोड़ी है पर यह है कि मन में दूसरी कोई अनात्मक वृत्ति ना रहे ये प्रयास तो करना होगा और बेहोशी भी एक, एक 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 पर्दा है एक ढक देता है वो तो मन चंचल रहे कि मन शांत रहे वो मन की अवस्था है वृत्ति देहाकार हो कि वृत्ति आत्माकार हो आत्मा किसी वृत्ति के घेरे में नहीं आता है तो आभास को सत्य न मानिए साक्षी आभास और साक्षी में फर्क है बहुत बड़ा फर्क है और आभास तो वही है जो मन जागेगा तो है और मन सो गया तो नहीं है मन के होने से है मन नहीं रहे तो वो भी नहीं है तो ये प्रश्न मन की किसी अवस्था का नहीं होना चाहिए जैसे पहाड़ पर बारिश हो तो भी पहाड़ खड़ा है बादल आ जाए अंधेरी आ जाए तो भी पहाड़ खड़ा है बर्फ़ गिरने लग जाए तो भी पहाड़ अपनी जगह पे खड़ा है ऐसे ही मैं कुटस्थ स्वरूप मैं आत्मा कुटस्थ स्वरूप मैं आत्मा निश्चल नित्या अनादि अनंत अब मेरे इस स्वरूप में कभी जागृत हो जाती है कभी स्वप्न हो जाता है कभी सुषुप्ति हो जाती है पर वो मुझ पर नहीं होती है मेरे सामने होती गुरबाणी में बड़ी सुंदर पंक्ति आती है जागृत स्वप्न सुखोपत तुरिया आतम भूपत की ए पुरिया आत्मरूप राजा के तीन नगर है जागृत स्वप्न सुषुप्ति वो तीनों में जब चाहे जावे जब चाहे न जावे जागृत स्वप्न सुषुप्ति आत्मरूप राजा को अपने घेरे में नहीं ले सकती राजा जहां चाहे जाए न चाहे न जाए या कि अपने ही आसन पर अडिग बैठा रहे अविनाशी सुखापन आसन वो अपने आसन में तटस्थ होकर के बैठा है